हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क के लास्ट टाइप की ओर और हम उसे भी बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम एंड वर्क किरण प्रकाशन बुक 8700 है और हमारा टाइप चल रहा है 7, 6 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो टाइप 7 की ओर चलते हैं और टाइप 7 का भी क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा देखना है, फर्स्ट समझना है पहले, फिर हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, मेरी स्क्रीन नीचे है तो मैं नीचे रीड कर लेता हूँ। ए कॉमा बी तथा सी एक काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी अलग अलग जो 20, 30, 60 दिनों में कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंपली वही काम करना है जो हम करते हुए आए हैं हमेशा, ए बी और सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं, बस वो दिन 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 20, 30, 60 बिल्कुल ठीक है। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 से काटेंगे 20 या 60, 30 से काटेंगे दो बार 60 एकम 60। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखिएगा, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, पूरा कर सकते हैं यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। मतलब बी और सी हर तीसरे दिन मदद कर रहा है, तो भाई ए तो रेगुलर फर्स्ट डे ए गया, ठीक है सेकंड डे भी ए गया, लेकिन तीसरे दिन, हर तीसरे दिन मतलब प्रति तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी मदद करता है। कौन कौन करता है, बी और सी, ठीक है ए के साथ में बी और सी मदद करते हैं। अब तीसरे दिन के बाद चौथे दिन किसका नंबर होगा, ए का नंबर होगा। पांचवे दिन ए का नंबर होगा, फिर छठे दिन किसका नंबर होगा, तीनों का होगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, पहले और दूसरे दिन तो ए अकेला कार्य करता है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन पे बी और सी उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। तो हम इस केस में क्या करते हैं, टोटल बस इतना देखते हैं कि साइकिल कहाँ से हमारी कंटिन्यू हो रही है, दोबारा रिपीट होना स्टार्ट होती है, वहीं से हम स्टॉप लगा लेते हैं। तो देखो ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रही था भाई, 3। ये जो कॉलम है वन डेज का है, ठीक है। सेकंड डे की बात करूं तो सेकंड डे में जो ए है वो कितना कर लेगा भाई, 3 कर लेगा। अब तीनों आ गए तो ए कितना करता है, 3, और प्लस बी कितना करता है, 2 + 1। तो फाइनली अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा टोटल काम, ये कितने दिन होंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन के अंदर काम हो रहा है। 3 और 3 6, 6 और 6 12, क्योंकि 3 और 2 5 और 1 6। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया, टोटल मिलाकर अगर मैं इसे ऐड करूं तो कितना हो गया, 12 काम हो गया, मतलब 12 वर्क हो गया। और जो कि विद इन कितने दिन में हो रहा है भाई, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, टोटल मिला के 3 डेज में 12 काम हो रहा। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 12 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो जैसे कि नजदीक या फिर फिक्स पहुंच जाए। तो 12 में मल्टीप्लाई 5 का करो तो पहुंच गया ना, 12 × 5 = 60, तो 5 का ही मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15, ये क्या हो जाएगा, 15 डेज हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब भी कभी बारी बारी से बोलती है तो हमें इस तरीके का एक चार्ट बना लेना और समझ लेना है, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है, सारी चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, 2 में क्या दिया हुआ है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 12 × 3 = 36 होता है, 18 × 36 होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से काम करते हैं एक एक दिन, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, वही क्वेश्चन है। एक कार्य आरंभ कर रहा है तो ए पहले दिन आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर रिवर्स होगी, फिर मतलब यहाँ से साइकिल, फिर ए आएगा फिर बी आएगा,
ये कंटिन्यूअस चलती रहती है जब तक 36 काम नहीं हो जाता, तो हम वहीं तक स्टॉप लगा लेते जहां से दोबारा रिपीट होती। तो भाई ये दोनों का देख लेते हैं, तो इन दोनों के दिन देख लेते हैं कितना कितना काम कर रहे हैं। ए जो है एक दिन में करता है 3 काम और बी जो है 2 काम, टोटल में आपके 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया भाई, 5 काम हो गया। कितने 2 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 2 दिन ही तो हुए, ठीक है। अब 2 दिन में 5 काम हो रहा है, 5 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो जिससे कि 36 के 5 पास पहुंच जाए, तो 5 × 7 = 35 भाई, 35 वर्क हो गया। कितने दिन लग गए भाई, 7 का मल्टीप्लाई 7 × 2 = 14, मतलब 14 डेज में हमारा जो है कंप्लीट कितना हुआ, 35 यूनिट वर्क हो गया। अब 35 यूनिट वर्क हो गया, शेष कितना बचा हुआ भाई, 1 बचा हुआ है। 14 दिन तो कंप्लीट हो गए मेरे, ध्यान से देखना, और जितना शेष काम बचा है वो ऊपर और बट्टे में किसका नंबर आएगा भाई, बी पे खत्म हुई थी स्टोरी तो ए पे स्टार्ट होगी। ए कितना करता है भाई, 3, तो 1/3 दिन और लगेगा, 14 दिन तो लगेंगे लगेंगे, जो एक काम बचा है उसे 1/3 समय और लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इतने दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। 14 से ही 1/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एक जो है रिमेनिंग वर्क है, 35 और 36 के बीच में कितना अंतर, एक का, और 3 जिसका नंबर है वो आ जाएगा नीचे, समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, एकदम करेक्ट, 14 से ही 1/3। और प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए, ठीक है। और आप लोगों के बहुत कम लाइक आ रहे हैं फ्रेंड्स, और कमेंट भी नहीं करते हो आप, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता, बी 3 दिन में नष्ट कर सकता, मतलब ए जो है 8 दिन में बना रहा है, ए जो है एक कार्य 8 दिन में बनाता है, और बी जो है वही कार्य जो है 3 दिन में नष्ट कर देता है। सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना ले लो भाई, 24 से काम हो जाएगा, हो जाएगा, 8 × 3 = 24 होते, 3×8 = 24 होते, मतलब ये मैं बनाता, तो जैसे कि दीवार है, दीवार को बनाने में तो समय लगता है लेकिन गिराने में समय नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे गिराना जो है, बी जो है काम नष्ट कर रहा है, जैसे कि उसने 3 दिन में दीवार बनाई और उस मतलब 8 दिन में एक दीवार बनाई और 3 दिन में खराब कर दी, मतलब ये इस तरीके से, मतलब जो गिराने वाली इफिशियंसी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि गिराने में एक साथ हम गिरा सकते हैं लेकिन लगा नहीं सकते। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। ए ने वहां कार्य जब 6 दिन तक कर लिया, भाई ए ने अकेले ने 6 दिन तक कार्य किया, भाई एक दिन में कितनी ईंट लगाता है भाई, 3 ईंट, तो 6 दिन में कितनी लगा ली होंगी, 6 × 3 = 18, ठीक है, 18 यूनिट वर्क हो गया। अब उसके बाद बोला बी ने उसे नष्ट कर दिया अंतिम 2 दिनों में, भाई 2 दिन में उसने क्या किया, बी ने नष्ट कर दिया। अच्छा 2 दिन में कितना नष्ट कर दिया होगा, 2 में मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार में 8 गिरा रहे तो 2 दिन में कितने गिरा दिए होंगे, 8 × 2 = 16, तो भाई देखो मैंने 16 ईंट लगाई थी, उसने 2 दिन में आके क्या कर दिया, 16 ईंट बिहारी कर दी, मतलब हटा दी वहां से, तो शेष रिमेनिंग वर्क वहां पे कितनी ईंट मिली मुझे, बस ओनली 2, बाकी के 16 जो ईंट थी वो गिर चुकी थी भाई। वर्क अब जो मालिक आएगा वो तो सिर्फ ये बोलेगा कि 2 ही काम हो पाया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ने बोला है कि शेष काम को तो 24 में से 2 माइनस कर दें, क्योंकि 2 काम अभी भी हुआ है, 2 ये जो है बी ने गिराया ही है, सिर्फ बी ने कितना गिराया, 16। अब क्या करना, माइनस कर लेंगे, 24 में से 2 गए तो शेष काम कितना बचा भाई, 22। अब 22 काम को किससे कराएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 22 काम को ए जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 22 शेष रिमेनिंग वर्क है, अब ए काम करेगा, तो 22 रिमेनिंग वर्क है और कौन कर रहा है, ए, तो 3 से भाग कर देंगे, 3×7 = 21, 1/3 डेज,
ये क्या हो जाएगा, मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए, सिंपल वे से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है, दोनों का एलसीएम लेंगे। फिर उसके बाद ये याद रखना है, ये जो बिगाड़ रहा है, बिगाड़ रहा है तो आप एक तरह से माइनस से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, वो बना रहा है तो आप उसे प्लस से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद ए ने 18 ईंट लगाई, बी ने 16 ईंट, दो दिन में गिरा दी। अब उसके बाद फाइनली दो ईंट वहां पे लगी रहेगी, तो हमने देखा कि ओनली 22 ईंट और बची, मतलब सेल जो वर्क है 22 से 22 को ए अकेला कितने दिन लेगा, तो साथ सही 1/3 दिन, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही सेकेंड वाला, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों का डाउट हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्लियर करने की बोलूंगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दो कर्मियों ए तथा बी, ए ने जो है एक कार्य मिलकर 5 दिनों में पूरा कर दिया, मतलब ए और बी दो कर्मी है, दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं जो कि एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखना, यदि उनमें ए अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य करता और बी अपनी क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिन में फिनिश हो जाता, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे वास्तविक क्षमता तो है नहीं, ना ही मेरे पास ए की है, ना ही बी की है, और ना ही स्पेशली डेज दिए हुए हैं। अगर स्पेशली अलग अलग दिन दिए होते तो हम उनकी क्षमता बहुत आसानी से निकाल सकते थे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ए के मान लेता हूँ एक्स दिन और बी के मान लेता हूँ कितने वाई डेज में कम्प्लीट कर रहा है। अब जो है ये दिन है, दिन को मुझे लेके जाना है 1 दिन के काम में। जब 1 दिन का काम बनाते तो हमें याद रखना होता है कि 1/1 में अगर कोई वैल्यू आ जाती तो ये 1 दिन का काम हो गया 1/x, समझ गए बात को। अब यहाँ पे 1 दिन का काम प्लस 1/y, ये हो गया y का मतलब b का 1 दिन का काम। अब जो है 1 दिन का काम टोटल मिला के 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/5 भाग करेंगे, समझ गए। अब यहाँ पे तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड ये ओरिजिनल है, ये वास्तविक इफिशियंसी है दोनों की, वास्तविक क्षमता है दोनों की, ये है समय, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये जो वास्तविक क्षमता से अपनी दुगनी का मल्टीप्लाई, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दू 1/x में, तो भाई 2 × 1 = 2, तो इसे लिख सकता हूँ 2/x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/x लिख दिया, बीच में प्लस है। अब यहाँ पे ये अपनी 1/3 से करेगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/y। अब देखो 1/3 1/3 से करेगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 3 का इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/3y लिख सकता हूँ, इस y को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया 1/3y इज इक्वल टू, तो इसे कितना समय लगता है भाई 1/3 दिन, मतलब 1/3 समय नहीं 3 दिन ही लगता है, लेकिन हम यहाँ पे 1 दिन का काम मानकर चल रहे हैं, समझ रहे हो बात को, 1/1 में, इसलिए 1 दिन का काम या 1 दिन का समय लगता है इनमें, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन आप एक को इक्वल कर लीजिए, सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन ने पूछा कौन है, ए या बी, तो ए पूछा है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें वाई इक्वल करना होगा इसमें, तो वाई इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो ऊपर कर दो 3 का तो ऊपर तो हो जाएगा 3y, या फिर एक काम करते हैं नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बाहर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें कर दो, 3 × 6 कितना हो गया 6/x प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 3 3/3 y इज इक्वल टू
थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 3/3। अब देखो जो वैल्यू कट रही है वो काट देते हैं, देखो 3/3 कितना बचा, 1, 3/3 से कट गया, बचा कितना 1/2। तो यहाँ पे जो है सारी इक्वेशन सॉल्व करने पे कितना बचा, 6x/x + 1/y = 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब इक्वेशन हमें करनी है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम उधर की साइड में चलते हैं और उसे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स है प्लस वन बाई वाई है इक्वल टू 1/5 है। एक काम करते हैं यहां से हम इसे घटा लेते हैं, तो यहां से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, मैं अभी जो माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो माइनस करेंगे यहां कितना 6x - 1/y = इसके पास तो भाई एक ही दिन बचा है, इसके पास 1/5 है, तो 1 - 1/5, समझ रहे हो। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, माइनस करना और कैलकुलेट कर लेना। तो देखो ये एक्स प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, इन दोनों वाइयों को उड़ा दो पहले। तो यहाँ कितना बचा, 1/x बचा है माइनस 6x = बचा है 5, 1 + 5 में से एक गया, बचा कितना 4/5। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x x का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, x ही हो जाएगा एलसीएम, इधर माइनस करेंगे तो 1 - 6 कितना होगा, सिंपली देखो बड़ी में से छोटी संख्या माइनस कर दो, इस 6 को इधर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 6 - 1 कर दो आप, = 4/5 कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 - 1, सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x = अगर हम निकालेंगे x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4x = कितना हो गया 5, 5 = 25, 4 का मल्टीप्लाई x में, 5 का इसमें, क्योंकि कैंची गुणा करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, 4 से विभाजित करेंगे तो 4 × 6 = 24 बचे कितने, 4 से 4 × 6 = 24 बचे कितने 1/4। तो इतने दिन में जो है x, मतलब x की वैल्यू मतलब कौन है, ये a है, तो a जो है इतने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, x जो है यहाँ पे बड़ी संख्या है, इस वजह से मैंने ये फर्स्ट पर रख ली, ये समझ लो ये वाला x वाला पोजीशन नहीं है, ये x है 6 - 1। अब जो है सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली x एलसीएम हो जाएगा दोनों x का। अब यहाँ पे सेम में से एक गया तो कितना बचा, 5 = 4/5 है, 4/5 कैसे आया, 5 × 5 और 5 में से 1 माइनस करने पे आया। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। और रही बात इसके सॉल्व की, तो फ्रेंड्स ये आपको ऐसे ही करना होगा क्योंकि हमारे पास दिन नहीं है, और आप अपनी तरफ से क्षमता इन दोनों की अलग अलग लेट नहीं कर सकते हो, मतलब 1, 2, 3 में। ठीक है, या तो हमसे बोल दिया जाता कि ए बी से दुगुना है या कार्य कुशल है, इस टाइप से क्वेश्चन बोलता तो हम बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन इस केस में नहीं कर पाएंगे। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और अगर बी के पूछता तो उस केस में हम जो है एक्स को इक्वल कर लेते और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते डायरेक्टली। ठीक है, चलो तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ गए और शेष भोजन 35 दिन और चला हो पर्याप्त है, तो कितने किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो देखो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x व्यक्तियों के लिए
50 दिन के लिए खाना आया, लेकिन एक्स व्यक्तियों ने 10 दिन तक खाना खाया और 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आगे, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 500 व्यक्ति और आगे, तो ये खाना कितने दिन तक चलता है भाई, 35 दिन तक चलता है, लास्ट में 35 है, 35 दिन तक चलता है। एक्स आदमियों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री आई थी, उन्होंने एक्स आदमी ने 10 दिन तक खाया था, 10 दिन के बाद आते 500 आदमी, तो भाई एक्स आदमी पहले थे, 500 आदमी और आगे, तो अब जो वह खाना शेष खाना कितने दिन चल रहा है, 35 दिन, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपली देख लेते हैं, 50x हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो गया, 10x हो गया, प्लस यहाँ देखो 35x प्लस 35 पंजे, या फिर आप सीधे सीधे 35 मल्टीप्लाई 500 ही लिखा रहने दीजिए, बाद में कर लेंगे। 35 और 10 कितना हो गया, 45। अब 45 ये कितना हो गया, 45। ठीक है, 45 को इधर लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे 50 में से, 50 में से 45 गए तो बचे कितने, 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 इंटू 500। कोई दिक्कत नहीं, इस 500 से ये 5 छठा दो बस, ठीक है, इस 500 से ये 5 हट गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3500। तो x इज इक्वल टू मतलब स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, 3500 लोग थे जो कि वहां पे कार्य कर रहे थे, और उनके लिए भोजन सामग्री 50 दिन के लिए आई थी, लेकिन 500 लोग और आगे 10 दिन बाद, तो मात्र 35 दिन तक चल पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर है। 6 बर्नरों, ठीक है, को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन में गैस का खर्च, मैंने आपसे एक बात बोली थी स्टार्टिंग से, बोलती हुआ आया हूँ, हमेशा काम और रुपए नीचे आते हैं, बाकी सब ऊपर, तो कर देते हैं वही चीज। 6 बर्नर है, 6 आदमी है, 8 घंटे हैं, उसमें कितना कमा लेते हैं भाई, ये 450 रुपये कमा लेते हैं, रुपये हमेशा कहाँ आते हैं, नीचे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 625 रुपए कमाने के लिए, 625 रुपए कमाने के लिए 10 दिन तक 5 घंटे कितने बर्नर जलाए जाएंगे। बी फॉर बर्नर, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ 25 से काट लेते हैं, 25 से कितनी बार जाएगा, 18, 25 से 25 बार, 5 से काट लें 25, 5 से काट लें 5 दूनी 10, 2 से काट लें 2 चौकी 8, 6 से काट लें 6 18, 3 से काट लें 3 दूनी 6, 4 से मल्टीप्लाई कर दे 4 दूनी 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, बी फॉर बर्नर, 8 हमारा क्या होगा, तो हमारा जो आंसर है वो 8 बर्नर जलाए जा सकते हैं, मतलब कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं 10 दिन में, 8 बर्नर। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, हमेशा याद रखना एक पॉइंट, काम जब भी कभी क्वेश्चन में होता है तो नीचे आता है, और अगर रुपयों की बात होती है तो वो भी नीचे ही आती है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, कैसे दिया है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत को 8 और 12 घंटे में पूरी, मतलब पूरी काट सकती है 8 और 12 घंटे में, कौन कौन है, गंगा जी फॉर गंगा, एस फॉर सरस्वती, जो है 9 और 12 घंटे में काट सकती है किसी खेत को, 8 और 12 घंटे में, गंगा जो 8 घंटे में काट सकती है और 12 घंटे में सरस्वती। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि गंगा द्वारा
पूर्वा 9 बजे कटाई आरंभ करते हैं, मतलब कितनी बजे चालू हो रही है भाई, 9 बजे, ठीक है, 9 बजे कटाई शुरू करते हैं। अब उसके बाद बारी बारी से एक एक घंटे की समयावधि के लिए कार्य करते हैं, तो पूरा पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले जो काम होता है, इस 9 को मैं साइड हटा देता हूँ, यहाँ से मुझे एलसीएम लेना है, तो 12 8 का कितना हो जाएगा 24, 8 3 24 होता है, 12 2 24 होता है। बारी बारी से काम कर रहे हैं, स्टार्ट कौन कर रहा है काम वो देख लीजिएगा। जब गंगा द्वारा चालू हो रहा है, गंगा जो है पहले दिन आती है, पहले घंटे, एक एक घंटे की बात हो रही है। दूसरे दिन सरस्वती, पहले दिन ये 3 काट जाती है, ये जो है 2 काट जाती है, टोटल मिला के 5 कट गई। और जो 5 फसल कटी है, जो कि कितने दिन में कटी है भाई, 2 घंटे में, कितने समय में, 2 घंटे में कट रही है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, बारी बारी से एक एक घंटे की समयावधि में कार्य करें, तो कार्य तो पूरी कटाई, तो पूरा कटाई का कार्य कब पूरा होगा, कितने बजे पूरा होगा, तो देखो 5 तो हो गया। अब एक काम करते हैं, 5 को ले जाते हैं इस 24 के पास, क्योंकि 24 से उतना है हमें, 5 चौके 20 हो सकता है बस, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो कितना हो गया, 4 2 8 घंटे हो गए, ठीक है, समझने की कोशिश करना, 5 चौके 20 और 2 चौके 8 हो गए, 8 घंटे में 20 हो गया भाई। अब 20 हो जाने के बाद में नंबर किसका आएगा, नेक्स्ट नंबर बताओ, पहले दिन गंगा है, दूसरे दिन सरस्वती, तीसरे दिन कौन होगा, गंगा होगी, तो गंगा होगी, गंगा एक दिन में कितना करती है भाई, 3 करती है, ध्यान से देखना, एक दिन में 3 करती है भाई, 3 काम कर लिया, कितने दिन में, 1 घंटे में, 1 घंटे में 3 कर रही, तो कितना हो गया, 9 घंटे हो गए मेरे पास, और जो कि काम कितना हो चुका है, अब 23 वर्क हो चुका है, 23 काम हो गया 9 घंटे में। अब 9 घंटे तो मेरे को ये लग गए, 9 घंटे तो परफेक्ट लग गए। अब उसके बाद काम कितना बचा, 1, और करेगा कौन, गंगा के बाद नंबर किसका आएगा, सरस्वती, गंगा ने तो 3 कर दिया, गंगा ने तो 3 कर दिया, अब उसके बाद सरस्वती आएगी, सरस्वती कितना करेगी, 2, तो 9 से ही 1/2 घंटे का मतलब कितना, 9 घंटा 30 मिनट, 9 घंटा 30 मिनट बाद, 9 घंटा 30 मिनट, ये तो वो समय है जो कि वो खुद ले रहे, 9 घंटा 30 मिनट का समय तो वो खुद ले रही है, मतलब गंगा जो है 9 घंटा 30 मिनट का समय ले रही है खुद। अब उसके बाद में देखो 9 घंटे 30 मिनट को ऐड कर देंगे किसमें, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने बजे कटाई स्टार्ट हुई, 9 बजे, कितने बजे स्टार्ट हुई, 9 बजे ही स्टार्ट हुई थी, तो सिंपली 9 में ऐड कर देते हैं, 9 बजे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 18 का मतलब कितना होता है, 6 6:30 है, तो 30 मिनट पे, जो कि ऑप्शन देख लेते हैं, 6:30 पर वो फिनिश हो जाएगा, 9 घंटे 30 मिनट का तो समय ले रहा है, वो ले रही है, वो खुद समय ले रही है, ठीक है, लेकिन कितने बजे, बजे और समय लेने में अंतर है दोनों में, तो क्वेश्चन यहाँ पे अभी पूछा हुआ है कितने बजे कटाई होगी पूरी, तो 6:30 बजे उपरवान अपरवान अपराह, ठीक है, तो यहाँ पे 6:30 पे हो जाएगा काम फिनिश, तो ये हमारा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज में चेंज करना है, फिर उसके बाद 9 घंटे 30 मिनट तो ये समय ही ले लेते हैं खुद, तो सिंपली 9 बजे जब मैंने चालू किया, तो 9 बजे चालू करने के बाद में 9:30 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, 12 बजे के बाद में 18 तक जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 6 घंटे + 30 मिनट, तो 6:30 हमारा आंसर हो जाएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चलो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखो 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 घंटे 10 दिन काम करके कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो कितने आदमी 8 घंटे
10 दिन, 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा कर सकते। एक्स फोर मैंने आदमी मान ली, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते, इस वाले 10 से ये गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 2 से काट लेते हो, 2 चौके 8 हो गया भाई, ये कितना हो गया, 25 पंजे 125, 80 इक्वल टू कितना हो गया 4x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250 by 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 12 हो जाएगा। अब 12 के बाद में बचा कितना, 4 एकम 4 हो जाएगा, बचा कितना 10, 4 दुनी 8 हो जाएगा, बचा कितना 2, अब तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट लगाने पर 0, तो 4 चौक 16 4 पंजे 20, सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पंजे 20। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 312.5 आ रहा है, तो मतलब 312.5 व्यक्तियों की जरूरत होगी, 312.5। अब ये 0.5 है, इसी अप्रोक्स में कितना करूं मैं, 312 भी है ऑप्शन में और 313 भी है। तो मैंने एक क्वेश्चन में इससे इसी चैप्टर में शायद स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जब भी कभी 0.5 आता है, जैसे कि मैंने बोला 1.5, तो इसी अप्रोक्स में कितना बोलेंगे हम, 2 बोलेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। अगर 1.4 तक होता सीमित तो हम कहां जाते, 1 बोलते, उस केस में 1 आंसर होता, लेकिन 1.5 लग गया तो उस केस में आंसर हो जाते 2। जैसे कि मैंने बोला 22.5 है, तो 22.5 को मैं क्या बोलूंगा, 23 बोलूंगा, नेक्स्ट वाली डिजिट बोलूंगा, कितनी 22.5 को हम बोल सकते हैं 23। लेकिन अगर 5 की जगह 4 होता तो हम 23 नहीं बोलते, क्योंकि 22.4 को हम बोलेंगे उस केस में 22। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 313 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो 313 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, एकदम करेक्ट। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से, अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है रीड कीजिएगा। ए बी सी क्रम से 30 20 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग जो है, ए बी और सी जो है 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। कितने कितने, 30, 20 और 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपली एलसीएम ले लेंगे, 30 दूनी 60, 20 तीया 60, 10 से 6 बार, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है ए को एक दिन का काम में बी की सहायता मिलेगी और अगले सी की सहायता मिलेगी। मतलब ए पहले करते हैं ए प्लस बी वर्क, फिर करता है ए प्लस सी वर्क, मतलब ए की ही सहायता करने कौन कौन, पहले ए और बी करता है, फिर करते हैं ए और सी, फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, 2 दिन का ही ले लेते हैं। तो ए और बी की क्षमता कितनी, 2 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 5 काम तो इसने कर दिया, और 2 और 6 ए और सी की बात करूँ तो 6 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 8 काम लिए, 8 और 5 कितना हो गया भाई, 13 वर्क, 13 काम हो रहा है 2 दिन में, 13 काम हो रहा है 2 दिन में। आप 13 को नजदीक लेके जाओ 60 के, तो 13 चौके 52, 52 काम हो गया भाई, कितने दिन में हो गया कंप्लीट, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दुनी 8 मतलब 8 दिन में। तो सिंपली 8 दिन में 52 काम हो गए, लेकिन 52 नहीं कराना हमें तो 60 कराना है। तो 52 में सबसे पहले ये देखो नंबर किसका आएगा भाई, नंबर तो अब जो आएगा नेक्स्ट वाला ए प्लस बी का आएगा, और वो जो अब 5 काम कर देते तो सिंपली प्लस कर लेंगे 5, और यहाँ पे कितना दिन ऐड हो जाएगा, 1 डेज, तो यहाँ पे 1 डेज ऐड हो जाएगा, और काम कितना फिनिश हो गया, 57, कितना हो गया काम, 57 वर्क हो गया, कितने डेज में, 9 डेज में। अब काम कितना बचा हुआ है ये देखो, 57 हो चुका है, बचा कितना भाई, 3 काम बचा, देखो 9 घंटे या 9 दिन तो मुझे लग गए कंप्लीट। अब जो है नंबर किसका, ए प्लस सी का, और ये कितना समय लेता है, ये जो है यहाँ पे देखो कितना काम बचा हुआ है, 57 माइनस कर देंगे 60 में से, तो बचा कितना है, 3,
और जो है यहाँ पे नंबर किसका आएगा भाई, 8 का आएगा, क्योंकि a प्लस बी ने तो एक दिन बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 9 सही, 3/8 दिन, यह हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर सकते हो। बारी बारी के जब भी क्वेश्चन आते तो आप 2 या 3 दिन का एवरेज लेकर उसे पूरा टोटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऊपर जो आता है वो रिमेनिंग वर्क होता है, नीचे जो आता है टोटल, मतलब यहाँ पे टोटल जितना वर्क जो करता है जिसका नंबर है वो नीचे आती है, ठीक है। अगर इन केस यहाँ पे 8 काम बचता तो 8/8 कर देते और क्या होता, ये जो है 1 हो जाता तो 10 दिन परफेक्ट हो जाते, है कि नहीं। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गांव में ए अनाज जो है 21 दिन, ए 21 दिन तक चलाता है अनाज, और बी जो है कितने दिन तक दे रखा है, बी चलाता है 28 डेज तक। सिंपली सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 28 दुनी नहीं जाएगा, 28 को 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 84, 8 3 24, 3 बार जाएगा 21 4 4। अब दोनों, अगर दोनों के लोगों को जोड़ लिया, क्वेश्चन क्या कह रहे वो देखो, यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए, मतलब टोटल अनाज दे दिया जाए, तो कुल भंडार कितने दिन तक चलेगा, तो भाई 84 जो है दोनों गांव को दे दिया, अब दोनों एक साथ करेंगे 4 और 3 7 से, तो कितने दिन चलेगा 12 7 84, तो 12 डेज हमारा क्या हो जाएगा उस केस में फाइनली आंसर होगा, समझ गए। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।